नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ, और आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट का जो पेपर फर्स्ट है उसके संचार यूनिट के बारे में। ये यूनिट 4 है और इसका अंतिम चैप्टर है 5। ये हमारे सिलेबस का टॉपिक है, कक्षा में प्रभावी संचार। इसलिए हमें यह पढ़ना ज़रूरी है। बहुत ईजी सा टॉपिक है, लेकिन चूँकि सिलेबस में इसलिए इसको पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये यूनिट पूरी करनी है। ये 5वां चैप्टर है और इसी के साथ ही संचार की यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन इस संचार की यूनिट के जो पिछले 3 सालों के जो आए हुए क्वेश्चन हैं वो मैंने एक एक सॉल्व करते हुए आपको बताया था। लगभग 20 क्वेश्चन थे और जिनको सॉल्व करवाने में मुझे 32 मिनट लगे थे। उसके साथ पूरी यूनिट का रिविज़न हुआ था। बाकी जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं जो कि मैं बना रहा हूँ साथ साथ में, वो आपके सामने पेश कर दिए जाएंगे। और अब वीडियो लगातार अपलोड होंगे। मैंने आज जो सुबह वीडियो अपलोड किया था उसमें भी आपको बताया था कि पिछले 3-4 दिनों में मेरे वीडियो में जो वीडियो कैमरा है उसमें प्रॉब्लम हो गई थी, उस वजह से वीडियो नहीं बन पा रहा था। अब वीडियो लगातार आएंगे, कंटिन्यू आएंगे। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में कि कक्षा में प्रभावी संचार कैसा हो। देखिए, जो एक शिक्षक होता है उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि वो जो अपनी बात को रख रहा है वो इतने आसान और सरल भाषा में रखे कि विद्यार्थी आसानी से उसको समझ पाए। क्योंकि एक कक्षा में हर तरह के विद्यार्थी होते हैं। कुछ विद्यार्थियों का आईक्यू तेज़ होता है, जबकि कुछ विद्यार्थियों का जो आईक्यू है वो कम होता है। उन्हें चीज़ को समझने में थोड़ा समय लगता है। तो एक शिक्षक को अपनी कक्षा में किस तरह से स्टडी करवाना चाहिए कि एक विद्यार्थी आसानी से उस शिक्षा को, उनकी दी हुई सीख को ग्रहण कर सकें। तो ये हमारा टॉपिक है जिसमें से एक क्वेश्चन हर बार लगभग वो पूछता है। तो आइए बात करते हैं। देखिए, एक शिक्षक में क्या सिर्फ ज्ञान ही महत्वपूर्ण होता है? क्या एक शिक्षक को ज्ञान है दुनिया भर का, तो क्या वो एक अच्छा शिक्षक बन सकता है? नहीं बन सकता। अगर सिर्फ ज्ञान से ही एक अच्छा शिक्षक बन सकता था तो दुनिया में जितने भी बुक लिखने वाले राइटर हैं, जो दुनिया भर के बुक्स लिखते हैं, ज्ञानी बहुत हैं वो। लेकिन ये जरूर नहीं कि जो एक ज्ञानी व्यक्ति है वो एक शिक्षक भी अच्छा बन सके। इसके लिए सबसे ज़रूरी है ज्ञान के साथ साथ शिक्षण जो मेथड है, शिक्षण पद्धति भी बेहतर हो। अगर शिक्षण पद्धति बेहतर नहीं है, शिक्षण का जो पढ़ाने का तरीका है वो बेहतर नहीं है, तो एक कभी भी कक्षा में प्रभावी संचार नहीं हो सकता। उसके बाद एक शिक्षक में वार्तालाप की योग्यता होनी बहुत आवश्यक है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों से बात करता है तो शिक्षक को वार्तालाप आना चाहिए। किस तरह से अपने विद्यार्थियों से बात करनी चाहिए? एक शिक्षक को बहुत ज़्यादा गुस्से वाला नहीं होना चाहिए कि विद्यार्थी अपने शिक्षक से डरे, अपने क्वेश्चन को, अपनी जिज्ञासाओं को एक शिक्षक के सामने ना रख पाए। इसलिए सबसे ज़रूरी है एक शिक्षक में वार्तालाप की योग्यता होनी चाहिए। उसके बाद शिक्षक को अनुशासित होना चाहिए। एक शिक्षक को अपनी कक्षा के अंदर हमेशा डिसिप्लिन में रहना चाहिए। एक विद्यार्थियों से एक शिक्षक डिसिप्लिन की आशा तभी कर सकता है जब वो स्वयं डिसिप्लिन में रहे। एक अनुशासित होना बहुत ज़रूरी है। अनुशासित कैसे? जैसे अगर मान लीजिए एक शिक्षक की कक्षा का टाइम 8 बजे है, तो उस शिक्षक को 8 बजे अपनी कक्षा के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। तब वो अपने विद्यार्थियों से ये कहने का अधिकार रखता है कि आप कक्षा में 8:05 पर कैसे आए। वो तभी कह सकता है जब एक शिक्षक स्वयं अनुशासन में रहे। उसके बाद कक्षा का जो वातावरण है वो अनुकूल होना चाहिए। अब देखिए, वातावरण अनुकूल कैसा हो कि एक अच्छा एटमॉस्फेयर होना चाहिए, एक शांतिप्रिय और हंसी मजाक का, कि सामान्यतया हर विद्यार्थी अपने आप को सहज महसूस करे एक शिक्षक की क्लास में। तो माहौल जो है, कक्षा का जो एक एटमॉस्फेयर होता है वो शिक्षण के अनुकूल होना चाहिए, कि हर विद्यार्थी अपनी बात को अनुशासन में रहते हुए एक शिक्षक के सामने रख सकें। अगर कक्षा का माहौल अनुकूल नहीं है तो कभी भी प्रभावी शिक्षण नहीं हो सकता। आपने देखा होगा कि कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जिनकी कक्षा में विद्यार्थी पूरी तरह से अनुशासन में रखता है, जबकि वही विद्यार्थी
जो एक शिक्षक की क्लास में तो पूरी तरह से अनुशासन में रहता है और दूसरे शिक्षक की क्लास में अनडिसिप्लिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक शिक्षक पर निर्भर करता है कि वो अपनी कक्षा का माहौल किस प्रकार से रखता है। तो प्रभावी संचार के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। उसके पश्चात है, शिक्षक को विद्यार्थियों के अभिभावकों के साथ भी संपर्क करना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक शिक्षक है और वो सिर्फ एक विद्यार्थी तक सीमित रहता है, उसे कहाँ तक सीमित रहना चाहिए? उस विद्यार्थी के बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए। वो विद्यार्थी किस परिवार से है, कहाँ से आया है, क्या उसके परिवार में कोई ऐसी दिक्कत हो कि वो विद्यार्थी अगर सहज रहना चाहिए लेकिन वो सहज नहीं हो पा रहा है, एक इंटेलिजेंट होते हुए भी वो विद्यार्थी के मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं। जब तक शिक्षक एक विद्यार्थी के अभिभावकों के साथ संपर्क नहीं रखेगा, उसे उस विद्यार्थी के जो घर का एक पारिवारिक माहौल है उसके बारे में पता नहीं होगा, तब तक वो शिक्षक उस विद्यार्थी की समस्या को कभी नहीं समझ सकता। इसलिए एक अच्छे संचार के लिए, एक अच्छी शिक्षा के लिए, एक अच्छे मार्क्स के लिए, एक विद्यार्थी के अच्छे भविष्य के लिए एक शिक्षक को विद्यार्थी के अभिभावकों के साथ भी, जैसे पेरेंट्स माता पिता हुए हैं या जिनके साथ भी विद्यार्थी रहता है उनके साथ भी उसे संपर्क रखना चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं कि विद्यार्थी को विचार व्यक्त करने, तर्क करने का और प्रॉब्लम, कोई भी समस्या है उसको हल करने का मौका देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी एक वर्ड भी बोलता है और उसे आप कहें कि चुप रहो भाई, मेरी क्लास में कुछ नहीं बोलोगे आप। बोलिए, उसको बोलने का मौका दीजिए, लेकिन एक सही दिशा में। जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी अगर उस टॉपिक से हट करके बिल्कुल दूर जा रहा है, वो एक अलग टॉपिक होता है, लेकिन जो विषय एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं उस विषय से संबंधित किसी भी विद्यार्थी को कोई भी जिज्ञासा है तो उसे बोलने का मौका देना चाहिए। यही एक विद्यार्थी की विशेषता होती है कि उस विद्यार्थी को जिज्ञासु होना चाहिए, और शिक्षक की यह विशेषता होती है कि वो उस विद्यार्थी की जिज्ञासा को शांत करें। तो ये सब चीज़ें एटमोस्फेयर से जुड़ी हुई है। जब तक कक्षा का जो माहौल है वो अनुकूल नहीं होगा, तब तक विद्यार्थी उस कक्षा के अंदर अपने आप को सरल और सहज महसूस नहीं करेगा। कितनी बेसिक बेसिक बातें हैं। ये सब चीज़ें हमारे सामने क्यों रखी गई है? क्योंकि कल को आप सभी नेट GRF क्वालिफाई करेंगे और जब भी लेक्चर की वैकेंसी निकलेगी तब आप एग्ज़ाम देंगे और उसमें सेलेक्ट होंगे। जब आप अपने विद्यार्थियों के सामने पढ़ाने के लिए जाएंगे, तब तक अगर हमें इन चीज़ों की बेसिक जानकारी नहीं होगी, तब तक हम किस प्रकार से अपनी बात को अच्छे तरीके से, सही तरीके से अपने विद्यार्थियों के सामने रख सकते हैं? एक अच्छा संचार कैसा हो? संचार तो होता है। देखिए, एक विद्यार्थी के साथ शिक्षक का जो संपर्क है वो संचार, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, संचार तो है, लेकिन वो संचार प्रभावी संचार होना चाहिए। एक विद्यार्थी को एक शिक्षक से पढ़ने के बाद में आनंद आ जाए कि वास्तव में क्या पढ़ा, मैं आनंद आ गया मुझे, ये होना चाहिए एक प्रभावी संचार। उसके पश्चात शिक्षक में धैर्य होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनका IQ लेवल कम होता है, उनको चीज़ लेट समझ में आती है या वो आसानी से समझ नहीं पाते हैं, या बैकग्राउंड जिनका मजबूत नहीं रहा है, जो अपनी पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे मार्क्स वाले नहीं रहे हैं, तो एक शिक्षक को पेशेंस रखना चाहिए। उसे अपने विद्यार्थियों को वो धीरे धीरे चीज़ समझानी चाहिए और मौका देना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए कि वो अपनी बात को आराम से रखे। अगर विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा, उसे 2 बार समझाए, 4 बार समझाए। और मैं कहता हूँ ऐसे विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा समझाने की आवश्यकता होती है। मैं YouTube पे अगर वीडियो अपलोड करता हूँ तो कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको लगेगा कि ये चीज़ें तो बहुत आसान है। कुछ वीडियो को समझाने में उनको लगेगा कि 10 मिनट की जगह मुझे 20 मिनट क्यों लग रहे हैं। हो सकता है उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम हो, और निश्चित रूप से जिनका IQ तेज़ है उनकी चीज़ें फास्ट समझ में आती हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य उन विद्यार्थियों का सिलेक्शन करवाना है जिनके लिए लोग ये कहते हैं कि इनका सिलेक्शन हो नहीं सकता, जो कहते हैं कि ये तो पढ़ाई में डफर हैं। मेरा उद्देश्य ऐसे विद्यार्थियों को सिलेक्शन करवाना है जिन पे दुनिया उंगली उठाती है, और 100% सिलेक्शन होगा। आप तैयारी करते जाइए, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ 100% आपका सिलेक्शन होगा। इसीलिए मैं हर चीज़ को इतना डीपली और समझाता हूँ, इतने एग्जाम्पल देके, क्योंकि मुझे हर विद्यार्थी को ध्यान में रखते हुए चलना है। यही एक अच्छे शिक्षक की विशेषता होती है
कि वो हर विद्यार्थी को ध्यान में रखते हुए चलें। उसके पश्चात है नई तकनीक का इस्तेमाल करें। नई तकनीक आप जानते हैं कि आज वीडियो कैमरे के माध्यम से मैं ये चीज़ रख रहा हूँ, तो ये एक अच्छी सुविधा है। अगर मान लीजिए पहले यूट्यूब वगैरह ये सुविधाएँ नहीं होती थी तो उनका प्रयोग नहीं हो पाता था। आज के टाइम में फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, मैसेंजर वगैरह, इतनी फैसिलिटी आ चुकी है कि आप अपनी चीज़ को प्रभावी तरीके से रख सकते हैं। अगर राजस्थान के लोक नृत्य कोई पढ़ा रहा है शिक्षक, और अगर आपके पास उसके लोक नृत्य से संबंधित वीडियो हैं तो उनको दिखाइए, पेंटिंग है वो दिखाइए, तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी तरीके से शिक्षण सफल हो पाए। उसके पश्चात है अपडेट रहना चाहिए, वर्तमान में क्या घटित हो रहा है, शिक्षक को उस हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। अगर अपने आप को एक अच्छा शिक्षक बनाना है और उसे क्लास में प्रभावी संचार रखना है, तो जब तक वो हर चीज़ से अपडेट नहीं रहेगा तब तक वो विद्यार्थियों से कैसे आशा रखेगा कि वे अपडेट हों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी, और मान के चलिए इस टॉपिक में से 100% क्वेश्चन आएगा। ये टॉपिक ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और मेरा ये मानना है कि जो टॉपिक कुछ हमें आसान लगते हों वो हम इतने अच्छे तरीके से करें कि उनमें कोई क्वेश्चन गलत होने की संभावना ही ना बचें। जो हार्ड टॉपिक होते हैं उनमें से थोड़ा सा भी अगर उसने घुमा दिया तो क्वेश्चन हमारा गलत हो सकता है, लेकिन जो आसान टॉपिक होते हैं उनमें कोई भी क्वेश्चन हमारा गलत होने की संभावना नहीं होनी चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए यूनिट के साथ। जय हिंद, जय भारत।